आप सबको इनका पलंग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मेरा फ्रेंड होगा वो लिख दीजिएगा वेरी बैड। देखिए पागल हो गया पलंग देख के। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूं और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूं छत पे कपड़ा डालने के लिए और आज बहुत अच्छा धूप किया है तो मैं आज थोड़ी देर छत पे बिताऊंगी क्योंकि घर का सारा काम हो चुका है। अंशु स्कूल गया है और अब खेल रहा है और नाश्ता भी बन गया है तो सिर्फ टेंशन है दोपहर का खाना बनाने का। पता नहीं दोपहर में आज क्या बनाऊंगे, तो कुछ भी तो बनाना ही है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन होता है कपड़ा सुखाने का क्योंकि बहुत जल्दी धूप ख़त्म हो जाता है और आरब डेली दो तीन कपड़ा गंदा कर ही देता है, भिंगा लेता है। और आरब का अभी तक सर्दी सही से ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे को अगर सर्दी लग जाती है तो। अंशु अभी ठीक है और घर में सभी कोई ठीक है, लेकिन आरब अभी तक सही नहीं हुआ है क्योंकि वो बार बार बेसिन का ही पानी पी लेता है। मैं जब भी खिलाती हूँ उसको तो गर्म पानी पिलाती हूँ, लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता है बस वो बेसिन का पानी पी लेता है, जिसके कारण उसको खांसी या सर्दी सही से ठीक नहीं हो रहा है। दो तीन दिन से लगातार उसको लहसुन तेल लगाई हूँ तो थोड़ा कम हुआ है, फिर भी अभी भी सही से नहीं हुआ है, बहुत खांसता है। और देखिए इधर आया है छत पे और इधर खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, सारा कपड़ा डाल दिए हैं सूखने के लिए और अभी सुबह का ही टाइम है तो आराम से 3 बजे तक सारा कपड़ा सूख जाएगा। 3 ही बजे तक धूप रहता है और फिर मैं ये सब गद्दा को पलट देती हूँ तो इसमें हो गया है खटमल। ये 3-4 दिन से आप सबको छत पे ही दिख रहा होगा, अब हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि इसको घर में लेके जाएं क्योंकि पता नहीं इसमें अभी भी खटमल है या नहीं, तो लेके तो जाना पड़ेगा। इसीलिए इसे 2-3 दिन अच्छे से छोड़ दिए हैं, अच्छे से सूख गया होगा तो खटमल निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं कंघी लेकर आई थी तो मैं ऊपर में ही बाल झाड़ ले रही हूँ क्योंकि मेरा बाल अभी झड़ने लगा है। नीचे झाड़ती हूँ तो घर में बाल इधर उधर आ जाता है, फिर खाना में मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं छत पे ही कंघी लेके आती हूँ और अच्छे से बाल झाड़ लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी ठंडा है ना तो अभी मैं बाल में कुछ लगा भी नहीं सकती हूँ, मेहंदी या कोई हेयर पैक यहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे दोपहर का खाना का तैयारी करने, तो चलिए चलते हैं अब नीचे। तो छत से आने के बाद फटाफट मैं दोपहर का खाना बनाई हूँ तो आज हम लोग दोपहर में खाएंगे चावल, आलू की भुजिया, ये अंशु के लिए बनाई हूँ, अंशु का फेवरेट है। और ये सुबह का रोटी बचा हुआ है, सुबह हम लोग नाश्ता किए थे कद्दू की सब्जी और रोटी तो थोड़ा सा रोटी बच गया है। और फ्रेंड्स, बनाए हैं गोभी आलू की सब्जी तो अभी मार्केट में ज़्यादा यही मिल रहा है, गोभी आलू। और इधर मैं बनाई हूँ अरहर का दाल। तो फ्रेंड्स, अभी खाने का टाइम हो गया है, 2 बजने वाला है और मेरे पतिदेव भी आ गए हैं तो चलिए चलते हैं खाने। और फ्रेंड्स, ये बचा हुआ है कल का चावल है तो नीचे डॉगी को दे देंगे। और फिर हम लोग खाना खाने के बाद आ गए हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए तो ये दोनों भाई बदमाशी करना शुरू कर दिए हैं। अंशु सारा दिन नहीं रहता है तो आने के बाद ये छोटा वाला अंशु को बहुत पीटता है
और दोनों भाई में बहुत झगड़ा होता है। ये झगड़ा होता है उठा पटक मार पीट, मुझे बहुत डर लगते रहता है कि किधर गिर जाएगा, सर में चोट लग जाएगा या कुछ भी। थोड़ा दिन पहले ही यारा अपने हाथ में चोट लगाया था, फिर भी अभी तक ये नहीं संभला है। बहुत ज़्यादा ये छटंकी जो है बदमाशी करता है, बड़ा वाला को कुछ समझता ही नहीं है। और फ्रेंड्स फिर शाम हो गया ऐसे ही करते करते, तो फिर मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ लग गए बेड लगाने में। तो यही बेड है जो फरक्का से बन के आया है और ये सागवान का है, क्योंकि हम लोग यहाँ बगल के मार्केट में भी देखे थे लेकिन यहाँ का लकड़ी सही नहीं दे रहा था, मतलब कि वो लकड़ी क्या था समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग नहीं लिए। फिर हम लोग जान पहचान का दुकान है जहाँ से लिए, तो ये फरक्का से बन के आया है, फरक्का से आया रांची, फिर रांची से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो ये सेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग थे, वो लोग आ गए। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हर समय साथ निभाए। आए वो लोग, बहुत अच्छे से बेड को सेट कर दिए। और फ्रेंड्स देखिए ये गद्दा का कितना सुंदर कलर है, और ये पूरा फिट हो गया था, अच्छा लग रहा था। डिजाइन नहीं है बेड में, बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा है, क्योंकि डिजाइन वाला में बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाता है। तो मेरे हस्बैंड को सिंपल ही बेड पसंद था, मुझे तो फूल वाला थोड़ा पसंद था जिसमें बॉक्स बना आता है। तो ये लोग बोले कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जितना सिंपल लोगी उतना अच्छा रहेगा, साफ़ सफाई करने का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये सिंपल में बहुत ही सुंदर है और ये प्योर सागवान है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं जिस आदमी का बेड है वो उस आदमी बेडशीट बिछा रहा है, बहुत खुश है अपने किए पर। अब बेडशीट लाया है बेंगलोर से खरीद के, अब पलंग लाया है फरक्का से खरीद के। और इनकी दीदी है जो इन्हीं का सपोर्ट करती है, गलत करे सही करे। मेरा भी है। नहीं तुम्हारी पुआ है, हमको तो बहुत बेकार लग रहा है देख के। आप सबको इनका पलंग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा फ्रेंड होगा वो लिख दीजिएगा वेरी बैड। देखिए पागल हो गया पलंग देख के। और देखिए इन लोग को देखिए, पहले ये लोग एक पार्टी है ठीक है, सिंगल हम है जो अलग है, ये होता है मेरे साथ। लेकिन आप लोग लेके तो आए हैं ना, हम खुद तो नहीं आए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड इन लोग का जो स्वभाव है वो कैसा है, वीडियो में दिख रहा है आप लोग को। मेरे साथ ये लोग बहुत गलत करते हैं, मेरा बचवा भी उन लोग के साइड रहता है। देखिए आप सबको बेड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चिमकी फेंक क्या? नहीं क्यों फेंकेंगे हम चिमकी, हम बैठेंगे ही नहीं। और देखिए फ्रेंड हमको कह रहे चिमकी फेंकने के लिए, लोग बेड पे बैठे हुए हैं। और हम अपना बेड दिखाते हैं आपको, देखिए ये है मेरा बेड। तुम लोग का बेड बकवास है, जमीन पे ही सोना चाहिए। तो ये 50,000 का पलंग है। और ये देखिए ये आप सबको नहीं दिखा था, देख लीजिए दीदी के लिए। हल्ला क्यों कर रहे हैं, दीदी के लिए खरीद कर रखे थे। और इसमें देखिए मेरा कुछ भी नहीं है, दीदी का सामान है। देखिए देखती है कि दीदी बहुत सारा सामान यूज करती है, कहाँ रखेगी, इसीलिए इतना कुछ खरीदाया। गोदरेज भी खरीद रहा है, गोदरेज किसके लिए खरीद रहा है, दीदी के लिए नहीं। अरे
अरे थोड़ा सा गिरे, अरे सुसु करेगा, सुसु कर, उसको नीचे रहने दो ना उसको। आ जो जो सुसु करता है वो सब इस बेड पे नहीं सोता है, जो नहीं करता है वही इस बेड पर है। ऐसा बात नहीं करे, और सुसु करता है वो कैरी बैग फेंको मत, इसका ना बना बना के ऊपर से पेट आके रख। इसमें कवर नहीं था तकिया का क्या? कवर है कि लगा हुआ है तो काहे लाई गया? अच्छा लगा दे क्या बोल रहा है? नहीं नहीं हमको क्या जरूरत है? हमको क्या जरूरत है भाई? आगे तो पूरा खोसा है। हां सब बेडो बड़ा है ना साइज में, उसी जगह पे चलवा दे, लेकिन बड़ा सुंदर डिजाइन वाला लग रहा है। क्या कौन क्या चादर है ये? जयपुरी चादर। और लेंगे वो कौन से मंगाए थे? ओए ऑनलाइन मंगाया हुआ है। सो लो, भूखे प्यासे तुम लोग आज बेड पर सोना, पेट भर जाएगा। हम सोएंगे जल्दी, तक किसी को नहीं सोएंगे, इसको भी नहीं सोएंगे। क्यों क्यों तुम क्यों सोएगा? मैं पहले से वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। हम परखा से बनवाए हैं। मैं पहले से सो जाऊंगा। क्यों सो जाओगे? भगवा देंगे हम। तो मैं चलो फटाक। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर आप सबसे बातें करने के लिए, क्योंकि नीचे सभी फ़ोन पे बात कर रहे थे तो ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसीलिए मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे बेड लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि बेड एक ही बार लेंगे लेकिन अच्छा लेंगे, जैसे कि थोड़ा मजबूत लेंगे और डिवान ही लेंगे, क्योंकि बॉक्स होने से क्या होता है उसमें आप रजाई कम्बल या एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है आप उसमें बैग में डाल के डिवान में डाल सकते हैं। तो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, टाइम लगा बेड लेने में, लेकिन अच्छा लिए बेड, मतलब अच्छा लगा देख के, मन खुश हो गया, पैसा थोड़ा लगा लेकिन चलो टिकाऊ है तो अच्छा है। और फ्रेंड्स, मतलब एक बेड ही रूम में लग जाने से रूम का लुक ही चेंज हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसी तरह कर कर के हम लोग पूरा घर सजा लेंगे, क्योंकि मतलब सोचे हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा घर सजा रहे, अच्छा लगता है। आप सबको दिखा ही होगा कि मेरे घर, मतलब मेरा यहाँ जो क्वार्टर है उसमें कुछ भी नहीं था, बस जो हम लोग को मिला था दो बेड वही था, लेकिन अभी एक बेड हुआ है और एक दो सामान आया है, मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपना घर भी सजा लेंगे, थोड़ा सा घर सजा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है, और किसका मन नहीं होता है कि उसका घर सजा हो। तो फ्रेंड्स, मतलब अच्छा लगेगा हम सबको, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, सभी कोई बहुत खुश हैं सामान बेड ले करके। तो आई होप कि आप सबको भी मेरा बेड पसंद आया होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप सबको ये बेड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी शाम हो गया है और चाय पीने का भी टाइम हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, जो ये हंसी मजाक चल रहा था तो ये मेरे फैमिली में ऐसे ही चलते रहता है, दीदी भी हंसी मजाक कर ही रही थी और मैं भी, तो ऐसे ही चलते रहता है, अच्छा लगता है फैमिली में थोड़ा हंसी मजाक होते रहता है। तो क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम यहाँ अकेले रहे हैं, एक दीदी ही आई है, जिस कारण थोड़ा सा मेरे घर का माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरा भी सब काम टाइम टेबल पे हो जा रहा है, नहीं तो मैं भी थोड़ा लेजी की तरह रहती थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर आप सबसे मैं कल मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर आप सबसे मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।